गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. बोलो 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 प्रेम से बोलो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Jai Om Vishnu.
Vishnupad Paramams Parivrajakacharya Stuta Sadhis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayom Nityalaya Pravishta Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ki Jai Anant Koti Vaishnavind Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Gaur Premanande तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिम तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तेन मां उपयान्ति ते जो मेरा भक्ति करते हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ कैसे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में जितने भी ज्ञान है वो वास्तव में केवल कला है। कला जैसे हम बैचलर साइंस ये सभी कला है, ठीक है। ज्ञान किसे कहते हैं जो भेद कर सकते हैं कि चेतन तत्व क्या है और जड़ तत्व क्या है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो हमारा जो ये शरीर है जो दिखता है वो पंच महाभूत से बना है, धरती जल अग्नि वायु आकाश। और एक हमारा सूक्ष्म शरीर है जो दिखता नहीं है लेकिन महसूस कर सकते हैं, मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है ना। तो ये दो है। जैसे मैं ये जैकेट नहीं हूँ, समझ रहे हैं? इसी प्रकार से ये शरीर क्या है, आत्मा के लिए जैकेट है। वासाम जीर्णानी भगवान कहते हैं कि जब भी मृत्यु होता है तो विचलित नहीं होना चाहिए, पुराने कपड़े गए नए कपड़े मिलेंगे, इसमें तो लोग खुश होते हैं। लेकिन जब शरीर बदलता है तो लोग दुखी होते हैं। क्यों? अज्ञानता की वजह से। तो जब कोई बद्ध जीव इस संसार में जन्म लेता है तो वो पूरा अज्ञानता में ग्रस्त होता है। सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? हमारी गलत पहचान करना कि हम ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और यही ABCD है आध्यात्मिक जीवन के। तो शुरुआत में अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो देहात्म बुद्धि शरीर की पहचान से वो विचारधारा चल रही थी उनकी कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे भीष्म पितामह है, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो बहुत बहस किया, अगर ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है, ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है। लेकिन जब उन्होंने मित्रता छोड़ दी, पहले मित्र की तरह बात करते, जब हम मित्रता की बात करते हैं तो हम लोग बहस करते। फिर अर्जुन को पता लगा कि बहस करने से फायदा नहीं है, चलो मैं अभी तुम्हारा शिष्य बनता हूँ, अभी तुम मुझे सिखाओ। तो पहले ही भगवान ने उसको डांट दिया कि तुम अपने आप को बहुत विद्वान सोचते हो लेकिन मूर्ख हो।
क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो विचारधारा है वो पूरी शरीर के आधार पे है, जड़ तत्व के आधार पे है। तो संसार में जो पहला ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो है कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है जो चेतन तत्व का है। ये संसार में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि इंद्रिय तृप्ति की कोई कमी नहीं है, कमी कृष्ण भावनामृत की है, यहां पर कोई कमी नहीं है। तो इसलिए भगवद गीता पढ़ के और महात्माओं का संग करके हमें ये समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 18 अध्याय में भगवान बताते हैं तीन प्रकार की समझ है। सात्विक समझ, जिसमें पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजसिक समझ में द्वंद्व बना रहता है, ये भी अच्छा लगता है वो भी अच्छा लगता है। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है विद्यार्थियों को तो ऑप्शन दिया जाता है, तो कभी कभी ज्ञान में अभाव रहता है तो लगता है ए भी सही है और बी भी सही है। इसी प्रकार से हम लोग इस संसार में सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा भक्ति भी सही है और थोड़ी थोड़ी माया भी पिया करो, थोड़ा तो चाहिए इंद्रिय तृप्ति। बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति के बिना कैसे रह सकते हैं? तो ये क्या है? रजोगुनी समझ हो गई। और तमोगुनी समझ क्या है? कि गलत ही सही है। कुछ लोग एक ही क्लास में तीन तीन चार चार साल रहते हैं ना, क्योंकि वो पेपर में वो सोचते, वो तो सोच रहे हैं कि ये सही है और वो टिक मारता है, लेकिन वो गलत ही होता है और 3 साल से वो गलत टिक लगा रहा है। ऐसे हमें पता नहीं है कि हम कितने जन्म से गलत टिक लगा रहे हैं। जो अपनी पहचान में द्वंद्व है। भारत में जाओगे तो अधिकांश लोग बोलेंगे कि हम आत्मा हैं, लेकिन कार्य किस आधार से कर रहे हैं? तो समझ का आधार क्या है? जो भगवान ने बताया ये समझ है ना, यहां बताया बुद्धि योगम। समझ का आधार ज्ञान और अज्ञान है, समझ रहे? तमोगुनी समझ में क्या होता है? जो बुद्धि है, जो हमारा दिमाग है, उसके ऊपर अज्ञान का भूत सवार हुआ है। जब भी हमारे ऊपर अज्ञान का भूत सवार हुआ है तो हमको लगता है कि ये भक्ति भक्ति सब बेकार है, हाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, उसके सिवा जाना कहाँ, खाओ पियो ऐश करो यही है जिंदगी। ये तमोगुनी समझ हो गई। जब पूरा अज्ञानता है, पूरा अपना पहचान, जैसे आजकल क्या है सबसे बड़ा समस्या क्या है? लोग ऐसे करते मैं एक बार प्लेन में था तो मेरे बाजू में एक कुछ खा रहे थे, प्लेन से ही लिया, फ्लाइट से लिया, फिर वो ऐसे कर रहे, तो ऐसे कर रहे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था, साइड में मुझे भी ले रहे तो हम लोग जब आईने में देखते हैं, ठीक है ना, हम जब भी आईने में देखते हैं, इसलिए आप देखेंगे भक्त लोग होते हैं उनका आईना इतना ही होता है कि खाली तिलक करने का थोड़ा दिखाई दे, पूरा दिखता है तो मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि नहीं? क्योंकि अभी पूरा ज्ञान नहीं है। तो हम अपना सौंदर्य देख के इतना मग्न हो जाते हैं, इसका मतलब है
पूरा अज्ञानता का भूत सवार हुआ है, ठीक है। अभी रजोगुनी समझ में क्या है, दोनों साथ में है, बुद्धि में दोनों है, ज्ञान भी है अज्ञान भी है, इसलिए क्या लगता है माया भी अच्छी है और भक्ति भी अच्छी है, दोनों अच्छा है। हाँ, थोड़ा ये भी अच्छा है, थोड़ा वो भी अच्छा है। हाँ, प्रसाद खाना भी अच्छा है, कभी कभी बाहर डोसा खा लेना भी, अभी हम उतना, हमारा लेवल भी नहीं है। लोग बोलते हैं बहाना है, हमारा लेवल नहीं है, हमको करने दो, ये है कि नहीं। कभी कभी लोग गुरुजी के पास चले जाते हैं कि कलयुग है ना, ये थोड़ा तो चलेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम कलयुग का नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ का है, बाहर का प्रॉब्लम नहीं है, समझे। बाहर कितना भी वातावरण गिरा हुआ हो, अगर तुम्हारा बुद्धि सही है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रजोगुनी समझ हो गई जब आपके दिमाग में ज्ञान भी है अज्ञान भी है। तो इस रजोगुण की अवस्था में विषय से आकर्षण होते रहता है और अंदर लड़ाई होती है। महाभारत रामायण अंदर आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि एक बाजू खिंचाव हो रहा है भौतिक सौंदर्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के, और दूसरी बाजू थोड़ा ज्ञान मिला है कि ये गलत है कि नहीं। तो ऐसे होता है जैसे वो कार्डियोग्राफ होता है ना, ऐसे 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 अंदर दिमाग में ट्र चलते रहता है। अब जब केवल ज्ञान रहता है, ठीक है, ये सात्विक समझे, इस अवस्था में आपको हमेशा पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और आपका निर्णय सही रहता है। ये केवल सात्विक समझ है, समझ रहे। और शुद्ध सात्विक समझ में कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं वो आपको शाश्वत काल के लिए पता लग रहा है, क्योंकि कभी कभी कृष्ण भी आपसे कुछ करवाना चाहते हैं जो भौतिक दृष्टि से सही नहीं है। जैसे युधिष्ठिर को कहा कि बोलो कि अश्वत्थामा, तो बोले मैं तो सात्विक व्यक्ति हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कसम खाया हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँ, मैं कैसे बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता। तो ये सात्विक में अटकना भी सफलता नहीं है, सात्विक से ऊपर में जाना है, कृष्ण क्या चाहते हैं ये भक्ति है, समझ रहे। अर्जुन का काफी विचारधारा सही भी था भौतिक दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से, समझ रहे। लेकिन कृष्ण जो करवाना चाहते थे उससे मैच नहीं होता है। तो ये समझ ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। एक ग्लास में पूरा काला पानी है, अभी आपको कितना पानी लगेगा आप अंदर डालते रहोगे कि सारा काला पानी बाहर निकल जाए और केवल साफ पानी रहे, समझ रहे। इसी प्रकार से हमारे दिमाग में ज्ञान डालते ही रहना पड़ेगा, डालते ही रहना पड़ेगा, ताकि सारा अज्ञानता बाहर निकल जाए। और जब तक अज्ञानता बाहर नहीं निकला है, आपको फिर से 84 लाख योनि के गर्भ में प्रवेश करके एक शरीर प्राप्त होगा आपके कर्म के अनुसार, समझ रहे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म। कर्म क्या है, नीति नियम से, शास्त्र के नीति नियम से अपनी इच्छा अपनी इंद्रिय तृप्ति संतुष्ट करना, उसको कर्म कहते हैं। और ऐसा करने से कर्म बंधन भी लगता है। मृत्यु के समय में आपके पास कोई कर्म का अकाउंट है तो उसका समाधान करने के लिए फिर से आपको आना है, चाहे पाप हो या पुण्य हो। आपका मृत्यु के समय
अकाउंट जो है कर्म का वो जीरो चाहिए, वो होता है अकर्म से। और विकर्म क्या है? शास्त्र के विरुद्ध करना, जिसको पाप कहते हैं, समझ रहे? तो इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होगा, व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके निर्णय में अभाव रहेगा, और उसकी वजह से उसको सुख दुख के चक्कर में फंसना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं सतत रूप से, तो मैं उनको गाइड करता हूँ, मैं उनको ज्ञान देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, क्या करो क्या मत करो। और जब भगवान ही आपके गाइड बनते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे, आप बताइए। बाकी ये संसार में नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन बड़े बड़े लोग जो है वो दूसरे लोगों को मार्गदर्शन दे रहे, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। अगर आपका गाइड ही अंधा है, अगर आपको जो मार्गदर्शन दे रहा है वही अपनी खुद की गलत पहचान कर रहा है, तो वो आपको गलत पहचान से कैसे बाहर निकालेगा? आपको हथकड़ी लगी है तो आप दूसरे हथकड़ी वाले को कैसे मुक्त करेंगे, है कि नहीं? तो लोगों को आज देखिए समाज में ये भी पता नहीं है गुरु कौन है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आपको पहले ये समझना है गुरु कौन है, बाद में गुरु को लेना है। खाली कपड़े पहनने से कोई भक्त साधु या गुरु नहीं बनता है। भगवान स्पष्ट कर दिए गुण कर्म विभागश, उसके गुण कौन सा है उसका कर्म कैसा है, समझ रहे? तो इसलिए जीवन में दिव्य ज्ञान प्राप्त करना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये दिव्य ज्ञान नहीं मिलता है, आप चाहे सबसे धनवान हो, सबसे यशस्वी हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर हो, सबसे बड़ा नेता हो, अमेरिका के हो कि किधर के भी हो, ब्रह्मांड के क्यों ना तुम हो, ब्रह्मा जी, जब तक ये दिव्य ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए जब कन्हैया लीला करने आए, तो ब्रह्मा जी सोचे अरे ये बालक झूठा मूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है, परीक्षा लेते हैं। तो भगवान के ग्वाल बाल और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिए। तो भगवान बोले अच्छा अब तुमने तुम्हारा चमत्कार दिखाया, अब तुम मेरा चमत्कार देखो। भगवान ने अपना विस्तार करके डुप्लीकेट उनके पास में बना दिए, ग्वाल बाल और बछड़े। अब ब्रह्मा जी चक्कर खा गए कि वहाँ गुफा की यहाँ भी है, चक्कर गए है। समझ रहे? बाद में लाइट आया तो झुकना पड़ा कि हम तुम्हारी परीक्षा करने गए, हमको समझ में नहीं आया। तो ये संसार ऐसा है, अगर ज्ञान नहीं है आपके पास तो आपके निर्णय में गड़बड़ घोटाला होने वाला है। और निर्णय में गड़बड़ का मतलब है जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं, भगवद गीता, भागवत, शास्त्र प्रमाण, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र को त्याग कर मनमानी करता है
उसको ना इस जीवन में सिद्धि मिलेगा ना अगले जीवन में। इसलिए शास्त्र के हिसाब से देखना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक वातावरण में भक्तों के बीच में ये होता है शास्त्र चक्षु, ये हमारे चर्म चक्षु है। इससे हम किसी को देखेंगे तो लगेगा ये कितने धनवान है और ये कितने सुंदर है, कितने ज्ञानी है, ऐसा दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्र शास्त्र के ज्ञान से देखो। तुम्हारे अंदर अभी जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान से जब देखोगे तो अलग दिखने वाला है, और जब शास्त्र से देखोगे तो वो अलग है। तो इसलिए भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। खाली हम सुनते हैं और बोलते हैं उससे भी लाभ नहीं है, हमारे निर्णय में परिवर्तन आना चाहिए। वो जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक द्वंद्व बना रहेगा, और सुख दुख जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ दुख मिलेगा। अभी इस जीवन में जो भी हमको दुख मिल रहा है, हम कभी कभी बोलते हैं भगवान बेकार है, भगवान बेकार है, कोरोना लाया मेरा इंद्रिय तृप्ति बंद कर दिया। भगवान तुमको लाइट दे रहा है कि बेटा तुमको इतना जबरदस्त मैंने दिया तो दुरुपयोग कर रहा है। जैसे सोचो कि अभी पृथ्वी पे सबसे धनवान इलॉन मस्क है, जेफ बेसोस है, बिल गेट्स है, वॉरेन बुफे है, ये सब धनवान लोग है। वो अगर इंडिया में किसी गांव में लोगों को देखने जाते हैं और एक गरीब का बच्चा देखते हैं, उसको दया आता है। वो उसके सेक्रेटरी को बोलता है और उसको पता लगा कि उसको दया आया, उसी का आज जन्मदिन है। तो इलॉन मस्क बोलेगा ठीक है, उसके सेक्रेटरी को इसको एक बोइंग 747 दे दो, ठीक है। अब बोइंग 747 गांव में आ गया, सभी गांव वाले भी आश्चर्यित हो गए, अरे भगवान का कृपा हो गया, हमारा गांव में 747 आ गया। और बच्चा क्या समझता है, खिलौना है। जब बड़ा भी हो गया तो वो तो स्कूल बुल में गया नहीं, वो उसको जमीन पे ही घुमा रहा है। एरोप्लेन होता है जो हवा में उड़ाना है, लेकिन वो जमीन में ही घुमा रहा है कि नहीं। यही गलती हम लोग कर रहे हैं। हमको भगवान ने ये रॉकेट दिया, ये मनुष्य शरीर है ना 84 लाख योनि में, ये रॉकेट है किधर जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, इस रॉकेट को ये माया के खेत में घुमाते रहते हैं। ये बाजार में जाते हैं, ये आइसक्रीम बढ़िया है, ये मफिन अच्छा है, ये समोसा अच्छा है, ये गुलाब जामुन अच्छा, ये मूवी नया मूवी आया है, अरे क्या एक्टर है, अरे ये नया हेयर स्टाइल है, अरे ये नया लिपस्टिक है, अरे ये नया परफ्यूम है, है? आप पागल हो जाएंगे। जैसे आप लंदन में जाओ, सेल्फ्रिजिस दुकान है, हैरट्स दुकान है, उधर जाओ आप एरोप्लेन ऑर्डर कर सकता है, ए टू जेड आइटम मिलता है जो अभी ऑनलाइन सब मिल जाता है कि नहीं। ऐसे हो जाता है, लेकिन तेरे को एरोप्लेन दिया बेडू, तू घास काट रहा है, तू बकरी की तरह माया का घास खा रहा है, तेरे को क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, गीता पढ़ के तेरे को वैकुंठ जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मनुष्य जन्म मिला, जानिया सुनिया विश्व खाइनु सैव गोखरा। जो अपनी पहचान ये त्रिधातु कफ पित वायु के साथ करता है वो कैसा है, उसका बुद्धि वो ऐसा नहीं है, वो तो आत्मा ही है, लेकिन उसका जो बुद्धि है वो गाय और गधे जैसा है, वो
वो शास्त्र बताता है कि नहीं। तो बहुत जरूरी है हमारा जीवन में ये होना चाहिए, ये स्टेज पे आना है। कम से कम इसके आगे का स्टेज है विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, स्थित प्रज्ञ की भाषा। अभी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे आज जबरदस्त प्रसाद है, किसी ने स्पॉन्सर किया है, पूरी है, रबड़ी है, रसगुल्ला है, समोसा है, खमन है, बहुत है, मैंने पेट भर के खाया। महात्मा क्या बोलता है, मैंने कुछ नहीं खाया, शरीर में डाला। है ना। अभी आप किसी आपके ड्राइवर को बोलते कि चलो गाड़ी में पेट्रोल डाल के आओ, ड्राइवर अगर आपको बोलेगा कि सर मैं 20 लीटर पेट्रोल पी के आया हूँ, तो आप बोलेंगे गधा है साला, तू टांकी में 20 लीटर डाल के ऐसा बोल। हम लोग क्या बोल रहे हैं, आज बहुत खा लिया, तुमने खाया नहीं, तुम कौन हो। नहीं, वो क्लास के समय हम बोलेंगे आत्मा, जब खाएंगे तब क्या बोलते। जब भी तुम्हारा फेवरेट आइटम है तब क्या बोल पाते, ये बात है ना, इसको विज्ञान कहते, ज्ञान विज्ञान। अभी तुम बोल रहे क्लास में बैठे प्रवचन में, मैं भी बोल रहा हूँ ऐसा है, और बाद में ऐसा हो जाता है। तो अपना ऐसे ऐसे होता है, और कृष्ण भी सोचते इसको किधर ले जाओ। मैं उसकी स्वतंत्रता में तो टांग नहीं अड़ा सकता हूँ, इसी को मालूम नहीं है कहाँ जाना है, तो मैं क्या करूँ। तो इसलिए बोले सतत युक्तानाम, जो हर रोज लगा है। तो क्योंकि अर्जुन का जबरदस्त सवाल था ना, कि कभी कभी हम पाप नहीं करना चाहते हैं लेकिन हो जाता है, अनिच्छन न चाहते हुए हो जाता है, इसका कारण बताओ ठाकुर। बोले कामेश क्रोधेश। फिर भगवान पूरा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बताते, काम किधर है, इंद्रिय पे है, मन पे है, बुद्धि पे है, फिर अभी उसको कैसे परास्त करना है, काम जो शत्रु है तुम्हारा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में उसको कहते हैं काम और वासना, काम वासना, और भौतिक जगत में उसको क्या कहते हैं, बोलो ना, बोलो बोलो, कोई नहीं देख रहा है। लव, लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड एंड राउंड, उसको प्रेम बोलते हैं। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते, क्या व्याख्या देते, आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बली काम, कृष्णेंद्र कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धारे प्रेम नाम। इसलिए प्रभुपाद जी बोले इस संसार में प्रेम एक ही जगह पे दिखता है, एक मां का प्रेम एक बेटी के साथ, क्योंकि उसके ऊपर तपस्या करना है, निस्वार्थ उसको बड़ा करना है, सब कुछ करना है और उसको विदाई करना है, निस्वार्थ। जहां स्वार्थ आ गया वो काम बन गया, वासना बन गया, वो प्रेम नहीं है। जहां भक्ति में भी स्वार्थ आ गया, मैं प्रवचन दे रहा हूं ताकि मेरी प्रशंसा हो, वो भी काम है, वो प्रेम नहीं है। तो ये बहुत सूक्ष्म है। तो अभी जो क्योंकि ये है
इसलिए लोग बोलते हैं लव, आई लव यू, यू लव मी, है कि नहीं? वही व्यक्ति को जब ज्ञान आता है, अरे मैं 30 साल घास काटा, साला मेरा 30 साल बिगड़ गया, तो लव किधर गया? है कि नहीं? ये क्या है, ज्ञान अज्ञान का खेल है। हाँ देखो, जीव भगवान की सेवा में होता है तो, और जब वो चाहता है कि मेरे को भगवान का सेवा नहीं करना है, मेरे को भगवान बनना है, तो फिर भगवान माया देवी को आंख मारते मया अध्यक्ष है ना। फिर माया देवी कहती है, बेटा आ जाओ खड़े हो जाओ यहाँ पर, और माया देवी आशीर्वाद देती है, अंधेरा कायम बना रहे, और उसको 5 प्रकार का आवरण दे देता है, तमिश्रा अंध तमिश्रा तमस मोह महामोह, 5 कवरिंग दे देता है माया उसको, फिर वो लल्लू बन जाता है। ये बोलते हैं, वेर इज लव, लव आई लव यू, यू लव मी, लेट्स रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, गधा बन जाता है। इसलिए फिर डिवोटीज, भगवान डिवोटीज को भेजते हैं कि अभी इसको माया का भूत चढ़ाए, अभी उतारो इसका। जैसे बुआ के पास जाता है तो बोलता है, बॉटल में भूत निकालता है ना। ऐसे जो प्रचार करते हैं ना, उनका काम भूत निकालना है। लेकिन कौन सा भूत? अज्ञानता का भूत निकालना है उसमें से, उसको अज्ञानता का भूत निकालना है कि तुम शरीर नहीं हो, ये तुम्हारा पत्नी नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन तुम्हारा परिवार है, तुम सब भगवान की सेवा में हो। आत्मा की दृष्टि से देखो, शरीर की दृष्टि से मत देखो। ये परिवर्तन आएगा ज्ञान से, है ना? तो जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान, तब तक हम ऐसे अज्ञानता में भटकते रहेंगे, और कभी सही कभी गलत निर्णय लेते रहेंगे, और हमारी जीवन में अप एंड डाउन, जैक एंड जिल, समझे? ऐसे ही होना है। तो ज्ञान लेना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। भौतिक ज्ञान मृत्यु के समय में काम नहीं आता है। आप PhD हो, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग हमारा शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं। आप जो ये धनवान लोग हैं भौतिक दृष्टि से, जो टॉप 1% दुनिया का है, वो पता है कितना पढ़ते हैं? जैसे ये अभी इलॉन मस्क का है, वो डेली एक बुक पढ़ता है। बिल गेट्स हर हफ्ते में एक बुक पढ़ता है। हम बोलेंगे, तुम भगवद गीता है कि नहीं? है ना, कभी पढ़ा? अभी पढ़ेगा। तो ऐसा स्थिति है, तो गीता घर में रखा है लेकिन पढ़ नहीं रहे, या है ही नहीं। हमारे पास दूसरे बहुत सारी भौतिक कहानियां का किताब है, भौतिक कलाओं का किताब है, लेकिन ज्ञान का किताब तो होना चाहिए, नहीं तो हमारा वही स्थिति होगा जो गांव का बच्चा बर्थडे पे 747 मिला उसको खिलौना समझ रहा है। हम लोग ये शरीर को खिलौना समझ रहे, ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञानता है। ये रॉकेट है वैकुंठ जाने के लिए, गोलोक जाने के लिए, इसको सीखना पड़ेगा कैसे चला सकते। और ये रॉकेट चलाने का मैन्यूअल कौन सा है? भगवद गीता। भगवद गीता वो मैन्यूअल है, मनुष्य जीवन कैसे जीना, वो अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत खतरा है।
मृत्यु के समय जैसा विचार आएगा वैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए देखो हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति में घर का वातावरण ऐसा होता है कि आप जिधर भी देखो तो आपको भगवान दिखाई देते, भगवान याद आते। आजकल का कल्चर कैसा है, लोग कुत्ते रखते हैं और कुत्ते को चॉकलेट खिलाते हैं, चन्नी 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 कुकू कुकू। अगर उस समय वो मर जाएगा तो वो क्या बनेगा, जनी। यम यम वापिस मरम त्यजयंते कलेवरम, भगवान समझाते हैं ना। तो ये उसने सोचा नहीं, कुत्ता रख सकते हैं लेकिन घर के बाहर। वैदिक संस्कृति में भी कुत्ता रखते हैं कभी जरूर है तो, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, बिस्तर पे नहीं। किससे आसक्त होना चाहिए? अवधूत बताते हैं कबूतर की कथा। कबूतर था कबूतरी थी, दोनों को आसपास में देख रहे, बातें खास खास कर रहे। एक दिन शिकारी आया, वो बच्चे को खिलाने के लिए गए और बच्चे को घेर लिया, फिर कबूतरी को घेर लिया, फिर कबूतर को घेर लिया। उसमें से शिक्षा क्या दे रहे, इस संसार में किसी के प्रति ज़्यादा स्नेह नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ आसक्त हो जाएगा और आसक्त हो जाएगा तो फंसेगा, समझ रहे। तो इस को बहुत याद रखिए कि हमारी स्थिति क्या है, क्या हमारे ऊपर अज्ञानता का भूत सवार है, क्या हमारे ऊपर ज्ञान और अज्ञानता है, या क्या केवल ज्ञान है, ये समझना चाहिए। हमारी समझ का लेवल क्या है, जब तक अपने को पता नहीं है अपन कहाँ है तो अपन कहाँ जाएंगे, समझ रहे। पहले अपने जानना है हम कहाँ है और नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। आप तुरंत भगवत धाम नहीं जा सकते, लेकिन तुरंत भगवत धाम जाने के मार्ग पे पहला कदम रख सकते हैं। और अगर आपने ऐसा किया तो भगवान कहते हैं कि निश्चित आपको अगली बार मनुष्य का शरीर दूंगा मैं, गारंटी है। भगवत गीता का क्या गारंटी है, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं बाजार में तो गारंटी होता है, भगवत गीता का ये गारंटी है कि तुम स्वल्प थोड़ा से थोड़ा सा भक्ति, एक बार हरे कृष्ण बोला होगा दिल से, तो तुमको मनुष्य शरीर और वहां से आगे उठने का चांस गारंटी। ऐसा गारंटी कोई प्रोडक्ट में है दुनिया में? कोई प्रोडक्ट में नहीं है भगवत गीता जैसा, है कि नहीं, तो समझना पड़ेगा हमको। बहुत मनुष्य जीवन जिम्मेदारी का है, लापरवाही का नहीं है। और आप अभी क्या क्या कर रहे हैं उसका कोई चिंता नहीं। वाल्मीकि क्या थे, लुटेरे थे। भृगारी क्या था, आधा पशु मार के नाच रहे थे, है कि नहीं। अब मैं भी पहले 56 घाट का पानी पिया हूं। मैं जन्म से भक्त नहीं था। समझ रहे, मैं पूरा माया का ऑलराउंडर था, इसलिए मैं जितना माया को समझा सकता हूँ दूसरा नहीं समझा सकता। और लोगों को लगता है ये मेरे को शॉट मार रहा है। क्योंकि मेरे को विज्ञान है माया का। लेकिन भगवान का नाम में इतना ताकत है कि थोड़ा सा, पूरा अधिकार तो नहीं है, थोड़ा ऐसा बता सकते हैं आप लोगों को। अभी पूरे पहुँचे भी नहीं है, लेकिन भगवान का कृपा है, ठीक है ना। तो ये भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्य, भगवान ये नहीं देखते। और विशेष करके महाप्रभु, पात्र पात्र न देखी, तुम चंडाल हो, तुम लेछ हो, तुम मीट खा रहे हो, कृष्ण इज नो प्रॉब्लम। अभी विदेश में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या खाता है हाथ में, वो हैमबर्गर खाता है। हैमबर्गर क्या है, पाव के बीच में गाय का मांस, लेकिन भगवान उसके सामने डिओटी भेजता है, टेक भागवत गीता, टेक।
किसी पे भगवान ऐसे नहीं करते। तो किधर भी है अज्ञानता में आदमी कभी वैदिक संस्कृति में अज्ञानता में कुछ गलत करता है तो उसको बहुत कम दंड दिया जाता है, लेकिन ब्राह्मण कोई गलत करता है उसको 10 गुना दंड दिया जाएगा, समझ रहे। तो ऐसे ही भगवान देखते हैं कि ये भटका हुआ है, चलो उसको लाओ आगे आगे लाओ। तो ज्ञान का खेती होना चाहिए, बाकी सब बेकार। और ज्ञान आएगा तो क्या आप गाना गाएंगे पता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये आपको लाइट आएगा। और जब तक आपको ये लाइट नहीं आया आप घास काट रहे। ये गाना गाना है। ज्ञान होगा तो गाएंगे ना। एक बार एक डिवोटी मुझे बोल रहा है कि तुम प्रवचन में बैठते हो बोलते हो ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, पहले तो तुम सब भोग लिया अभी बैठ रहे, पहले हम भोगेंगे बाद में बोलेंगे। तो क्या है, बुद्धि का लेवल अलग होता है। फर्स्ट क्लास बुद्धि वाला सुन के सीख लेता है, अग्नि में हाथ डालेगा तो जल जाएगा, उसको कभी देखा नहीं खाली सुना उसको समझ में आ गया, पहली श्रेणी का बुद्धि है। दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, वो देखता है कि कोई अग्नि में हाथ डालता है तो मैं देखता हूँ क्या होता है, कोई हाथ डाला जा तब उसको सीख गया अभी मैं अग्नि में हाथ नहीं डालूंगा। आज जो थर्ड क्लास बुद्धि वाला है वो क्या सोचता है, उसने डाला वो जला मैं डालूंगा जलूंगा नहीं। और वो हाथ डालेगा माया में हाथ डालेगा तब लाइट आता है। ये थर्ड क्लास बुद्धि वाले। तो कलयुग में कौन सा क्लास का ज्यादा है, कलौ शूद्र संभवा, थर्ड से भी नीचे। 3 बार हाथ डालते हैं लाइट नहीं आता है, है कि नहीं। हरे कृष्णा। तो आप लोग भगवद गीता को पढ़िए अच्छी तरह से और नियमित रूप से यहाँ पर आइए, राधा गोपीनाथ जी का सत्संग में लाभ लीजिए, सुनिए और अपना ज्ञान का खेती कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। ये भगवान की असीम कृपा से मिलता है मनुष्य शरीर और इसका मुख्य उद्देश्य है शाश्वत जीवन, शाश्वत आनंद और पूरा ज्ञान, समझ रहे, ज्ञानमय जीवन, पूरा आनंदमय जीवन और शाश्वत जीवन। ये भी कोई और नहीं दे सकता है। आप किधर भी कोई भी कॉलेज में जाओ, कोई यूनिवर्सिटी में जाओ, कोई कंपनी में जाओ, ये नहीं दे सकता है। शाश्वत जीवन केवल कृष्ण दे रहे, समझ रहे। तो इसलिए ये आप लाइन में जुड़िए, आगे आइए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाड़ की जय। गौर प्रेमानंदे। Thank you.